हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट यू आर हेल्दी फाइन, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, पिछले हमने देखा था सबसेट्स के बारे में, आज हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट्स में क्या क्या देखते हैं हम, थोड़ा शॉर्ट में और अच्छा देखेंगे। यानी कि इसमें हमें पढ़ना है एक्चुअली यूनियन, इंटरसेक्शन। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको पढ़ना है इंटरसेक्शन के साथ साथ जो है इसका यूनियन है, आपका इंटरसेक्शन हो गया, और आपका क्या है कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स देख लेंगे। कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट देख लेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, ये सारे हम देखेंगे। ओके, डिफरेंस ऑफ सेट्स ये हो गया आपका। चलिए तो देखते हैं, अगर आपको यूनियन जानना है तो आपको एलसीएम अगर आता होगा तो समझिए आपको यूनियन आता है। इंटरसेक्शन, अगर आपको एचसीएफ आता होगा तो समझिए आपको इंटरसेक्शन आता है। तो देखते हैं, जैसे एग्जांपल लेकर के हम इसको समझते हैं। यूनियन को एक्चुअली कुछ इस तरीके के साइन से डिनोट करते हैं और इंटरसेक्शन को वही नीचे की तरफ। जैसे मान लिया ए बराबर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे, और बी बराबर दिया हुआ है 2, 3, 4, 5 ऐसा, या कुछ 4, 5, 7, 8, 9 ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ओके, और आपको निकालना है ए यूनियन बी। तो ई यूनियन बी का मतलब, यूनियन का मतलब है कि जो जो मैच कर रहा है वो तो है ही, वो लिखना है एक ही बार, जैसे कि हम एलसीएम में करते हैं, जो मैच करता है उसको एक बार और जो नहीं कर रहा उसको लिखना ही लिखना है। तो 1, 2, 3 मैच कर रहा है 4, 4 इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक ही बार। 5 एक ही बार, 6 नहीं है तो लिखना ही है, 7 मैच कर रहा है तो लिखना है, 8 नहीं कर रहा है फिर भी लिखना है, 9 यानी कि जो मैच करेगा उसे एक ही बार लिखना है और जो नहीं मैच करेगा उसको लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो ये ए यूनियन बी पढ़ते हैं, ए यूनियन बी, इसको ए यूनियन बी पढ़ते हैं, यू साइन को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, बस यही है ए यूनियन बी। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन की क्या होता है, जैसे मान लिया ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो जो जो मैच कर रहा है इसमें वही होगा ए इंटरसेक्शन बी। तो कौन कौन मैच कर रहा है देखो, 4 कर रहा है, 5 कर रहा है, 6 नहीं 7 कर रहा है, यही आपका ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की एक ही साथ। इस पर कुछ रूल्स भी हैं वो अभी देखेंगे, पहले डिफरेंस की बात करते हैं सेट्स का। जैसे मान लो हमें ए माइनस बी निकालना है, तो ए माइनस बी निकालना है, ए में कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है, और माइनस हमें क्या करना है बी, बी है 4, 5, 7, 8, 9 ठीक है, ये आपका बी। तो देखिए क्या होगा, ए माइनस बी अगर हम करते हैं तो जो जो मैच कर रहा है वो कट हो जाएगा, 5, 5 और है कुछ, 6 नहीं 7 है, 7 कट हो गया, और जो इसमें बच जाए इधर, जो ए में बच जाए वही इसका आंसर है। तो आंसर क्या बच रहा है हमारा, 1, 2, 3 ए आंसर है आपका। ठीक है, जो मैच करे कट जाए वो पहले वाला में से खत्म, और जो पहले में बचा उसमें क्या बच रहा है नहीं बच रहा है उसे मतलब नहीं, बी में क्या बच रहा है वो नहीं, बस कटा कौन कौन है और कटने के बाद जो ए में बच गया वही आंसर है। जैसे मान लो बी माइनस ए निकालना है, और अगर बी माइनस ए हमें निकालना है तो क्या होगा, बी कितना है 4, 5, 7, 8, 9 और ए कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब देखिए कौन कौन मैच कर रहा है भाई, 4, 4 कट गया, 5, 5 कट गया, 7, 7 कट गया। अब आंसर क्या आएगा हमारे पास, इसमें जो बचा है वो आएगा 8 और 9, उसमें क्या बचा है नहीं बचा है उससे मतलब नहीं है, बट हमें देखना है कट कौन कौन रहा है और इसमें बच कौन रहा है, तो जो बच रहा है वही हो जाएगा बी माइनस ए आंसर।
तो ये था डिफरेंस ऑन सेट कि सेट्स का डिफरेंट कैसे निकालते हैं। अब है कंप्लीमेंट ऑफ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट जैसे मान लो ये बराबर है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और U बराबर है, इसमें U भी होना चाहिए यानी कि यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो कंप्लीमेंट सेट को ऐसे हम डिनोट करते हैं कुछ। तो कंप्लीमेंट सेट का मतलब है कि A को छोड़कर जितने बच जाएंगे वो सारे कंप्लीमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 के बाद 8 9 10, तो ये 8 9 10 ये आपका कंप्लीमेंट हो गया। अगर मान लो B है, B काम है, B दिया हुआ है 1 कुछ भी, यहाँ ऐसे 4 5 7 8 9 है, 4 5 7 8 9 है, ठीक है, और हमें कंप्लीमेंट ऑफ B निकालना है, कंप्लीमेंट ऑफ B निकालना है। तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में देखेंगे वो सारे कट जाएंगे, 4 4 नहीं आएगा 4 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 है इसमें तो 4 नहीं आएगा, 5 है 5 नहीं आएगा, 7 है 7 नहीं आएगा, 6 आएगा, 8 है 8 नहीं आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा। तो ए जो है आपका कंप्लीमेंट ऑफ बी है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ यूनियन पे, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, तो वही है दोनों में। जैसे मान लो ए यूनियन बी है तो इसको आप बी यूनियन ए निकाल दें, एक ही होगा, ठीक है। अगर मान लिया जाए ए यूनियन बी यूनियन सी है, इसको आप ए यूनियन बी यूनियन ए सी निकाल दें, एक ही चीज़ है, सॉरी यहाँ पे डाल दो सी, यहाँ पे डाल दो बी। ए कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ, ए है आपका एसोसिएटिव लॉ है ना, एसोसिएटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, और भी है कुछ कुछ दिया हुआ, लिखना पड़ेगा बस, ठीक है। जैसे ए, जैसे मान लो ए यूनियन फाई है तो यही होगा, ठीक है, क्योंकि फाई तो कुछ होता नहीं है। जैसे ए यूनियन ए निकालना है तो यही होगा, ठीक है। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं ए आइडेंपोर्टेंट लॉ, ए आइडेंपोर्टेंट लॉ होता है, आइडेंपोर्टेंट लॉ। और भी है कि मान लिया यूनिवर्सल सेट है, आपको ये निकालना है तो यू ही होगा, जो बड़ा होगा यूनियन में वही होगा, ठीक है, तो लॉ ऑफ यू इसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जो बड़ा होगा वही होगा, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए की बात करें तो वही कम्यूटेटिव लॉ है ना, कम्यूटेटिव लॉ हो गया, ये तो कम्यूटेटिव लॉ हो गया है ना, ए कम्यूटेटिव लॉ। उसी तरह से यूनियन बी यूनियन सी या ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी या ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी वही चीज़ है, ए एसोसिएटिव हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया, ठीक है। और भी है और भी है, देखिए अब जैसे फाई है इंटरसेक्शन ए तो फाई ही होगा, इसमें जो कम होगा ओ होगा और इसमें जो ज़्यादा होगा ओ होगा, ठीक है। जैसे ए इंटरसेक्शन ए है तो यही होगा, ठीक है। ए कौन सा नियम है, आइडेंपोर्टेंट लॉ है ना, ये क्या है आइडेंपोर्टेंट लॉ कहलाता है, ठीक है। और भी है जैसे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी इसके साथ और फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। ये कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये सारे हमने पहले ही पढ़ा है। तो आई होप दैट आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, अगर आपको नहीं समझ में आया है या कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप हमें थोड़ा सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे तो जो हमारी एनर्जी है वो बढ़ेगा, हमारी एनर्जी आप ही के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।